तेज खबर 24 से मैं हूं आज खान। इस वक्त रीवा से खबर आ रही है जहां सरकारी नौकरी की ललक और 15 साल पुराने प्रेमी की चाहत में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत की नींद सुला दिया। हत्या के इस सनसनीखेज मामले का खुलासा रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने किया है। वारदात में शामिल मृतक की पत्नी सहित उसके कथित प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने हत्या की वारदात को करना कबूल कर लिया। इस अंधी हत्या का खुलासा करते हुए एसपी आबिद खान ने बताया कि 8 जून की दोपहर विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत लॉ बिल्डिंग के पीछे विश्वविद्यालय में पदस्थ कर्मचारी राम सुविनन साकेत का शव पाया गया था। प्रेम के बाद चिकित्सकों ने राम सुमरन की गला घोटकर हत्या किए जाने की पुष्टि की थी, जिस पर सीएसपी शिवेंद्र सिंह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय थाना प्रभारी अवनीश पांडे द्वारा इस अंधी हत्या का खुलासा करने के लिए तहकीकात शुरू की गई। जांच के दौरान संदेह के आधार पर जब मृतक की पत्नी आशा चौधरी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था, जहां उसने अपने प्रेमी छतरपुर निवासी सोहेल अहमद के साथ पति राम सुमिरन साकेत की हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस ने सोहेल को भी गिरफ्तार कर लिया है। पति की हत्या के बाद पुलिस को दिए गए बयान में आशा ने बताया है कि उसके पिता करीब 15 वर्ष पूर्व छतरपुर में नौकरी करते थे, जहां उसके और सोहेल के बीच प्यार पनपा था, लेकिन दोनों अलग अलग धर्म के होने के कारण एक नहीं हो पाए और आशा की रीवा में शादी राम सुमिरन से हो गई थी। इसके बावजूद भी आशा और सोहेल के बीच का प्यार कम नहीं हुआ और दोबारा मिलने की चाहत में आशा ने सोहेल के साथ मिलकर पति राम सुमिरन की हत्या कर दी। आशा के मुताबिक पति की मौत के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति मिल जाती और फिर वह सोहेल के साथ रहकर अपना प्यार भरा जीवन व्यतीत करना चाहती थी, लेकिन कुदरत को और कुछ भी मंजूर नहीं था। एसपी आबिद खान ने संदेह हत्या का खुलासा करने वाली टीम में शामिल सीएसपी शिवेंद्र सिंह सहित थाना प्रभारी अवनीश पांडे, एसआई सुशीला, प्रधान आरक्षक शंभू राजेंद्र और ज्योति पांडे को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है। देखिए, 8 तारीख को अपने यहाँ एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की लाश एक जगह पे सुनसान जगह पे हम उसको मिली किलो कॉलेज के पास, और कुछ उसके गले पे निशान इस प्रकार के प्रतीत हो रहे थे जिससे संबंध छिना जा रहा था कोई इसको इसकी हत्या की गई है या कुछ इसी तरह से। और बाद में जो पीएम कराया गया तो व्यक्ति का पीएम में डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि भी की कि उसकी हत्या की गई है। राम सुमिरन साकेत नाम का एक व्यक्ति जो है अपनी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट में क्लर्क था। घटना की शुरुआत से ही कुछ हम लोग को इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे कि उनकी पत्नी से कुछ इनका विवाद चलता था और उस कारण से ये घटना संभावित हो सकती है। कुछ और भी इनपुट्स इसमें मिले थे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर के कुछ दूसरे भी मिले थे, तो कई एंगल्स पर पुलिस इसमें काम कर रही थी। और अंततः जो ये महिला वाला पति वाला एंगल है इसमें आगे चल करके पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें कि हम लोगों ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जो है इसका नाम है सोहेल अहमद। ये महिला जो इसकी पत्नी है ये मृतक की दूसरी पत्नी है, और ये महिला जो है ये करीब 6 साल से लेकर 22 साल की उम्र तक ये छतरपुर में रही है। पिताजी वहाँ पे ड्राइवरी का काम करते थे। छतरपुर में ही उसके पिता के संपर्क में ये सोहेल अहमद व्यक्ति आया और उसी माध्यम से वो सोहेल अहमद यहाँ रीवा में कुछ काम के बहाने से आया। और सोहेल अहमद क्योंकि लड़की के महिला के घर के पक्ष से आया था, तो कभी कभी वो इनके घर पर रहता भी था। इस प्रकार से ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ इनके बीच संबंध स्थापित हैं। और जो मृतक है वो जो पति है उसने बीच में विवाद महिला से होता रहता था, महिला को कभी कभी मारता पीटता भी था। इन कारणों से या फिर संभावित प्रेम प्रसंग के कारणों से जो भी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इन लोगों ने मिलकर के जो सोहेल अहमद है और ये जो महिला इसकी पत्नी है आशा चौधरी, इन दोनों लोगों ने एक प्लान बनाया कि इसको पति को मारना है और एक सुनियोजित तरीके से इसके पति को ये सोहेल अहमद ले करके घटना दिनांक के दिन ले गया। तो हम आपको लेके चलते हैं, पहले आप रखते हैं और सुनसान जगह पर जा करके उसको गला दबा के मार दिया।
कुछ फुटेजेस भी हम लोगों को मिली हैं इन लोगों से पूछताछ करने में, इन लोगों के कुछ सुहेल अहमद और आशा चौधरी के मित्रत्व फोटोग्राफ्स भी मिला है, जिससे समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में कुछ संबंध है। साथ ही घटना दिनांक के आगे पीछे भी लोगों के साथ में घूमने के कुछ फुटेजेस हम लोगों को मिले हैं, जो हम लोग योजना में रखेंगे और पहले को बताएंगे कि इस तरह से इसको कॉन्स्पिरेसी करके हत्या की। तो ये एक बड़ा ही अंधा कत्ल था जो समय घटना हुई थी, और काफ़ी इससे जो है एरिया में शहर के बीचों बीच इस तरह की वारदात होने पर तरह का असमंजस हुआ था कि कैसे ये लाशें होती है इस तरह से। तो इसको विश्वविद्यालय थाने और साहब ने शहर के सामने बड़ा मेहनत से टीमों को लग करके इसका खुलासा किया, और जो भी दोनों आरोपी उनको अरेस्ट किया गया है। जी हम आपको बता दें कि एक सप्ताह पूर्व विश्वविद्यालय थाने में पदस्थ कर्मचारी की सड़क के किनारे लाश पड़ी हुई मिली थी। इस कर्मचारी की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस वारदात में मृतक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर की थी।